वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार फैमिली। फ्रेंड्स, आज तो संडे है, तो आज हमारे स्टार फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी संडे। फ्रेंड्स, संडे के दिन कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता ही है। जो जो नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग के घर में भी कुछ स्पेशल होता है। तो आज मेरी मम्मी बनाने वाली है हांडी चिकन, क्योंकि मम्मी एक बार बनाई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कितना टेस्टी था। तो मम्मी आज भी बना रही है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। मैंने सोचा क्योंकि आप लोग भी तो हमारी फैमिली मेंबर हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादातर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिएगा। हम लोग का जो भी वीडियो आएगा आप लोग को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, मेरी मम्मी कैसे बनाती है हांडी चिकन। चलिए, गैस ऑन करने के बाद हम लोग हांडी को बिठाएंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा तेल देंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा ओनियन ऐड करेंगे। तो देखिए, ओनियन ऐड करिए मेरी मम्मी। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए मेरी मम्मी जैसे कर रही हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए पूरी तरह तो फ्राई नहीं हुआ है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा है, क्योंकि मम्मी बोली कि थोड़ा सा प्याज कच्चा रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद हल्दी ऐड करेंगे, काश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। देखिए, उसके बाद थोड़ा सा फिर से फ्राई कर देंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मसाला पेस्ट डालेंगे। तो इसमें ऐड किए हैं मेरी मम्मी प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, धनिया। देखिए, इन सबको ऐड करके मेरी मम्मी पेस्ट बनाई है। तो अभी इसको डाल देंगे और थोड़ा सा फिर से फ्राई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना लाल दिख रहा है। तो इतना टेस्टी हुआ है मसाला, तो चिकन कितना टेस्टी होगा आप लोग सोच के देखिए। तो गाइज, इतना टेस्टी लग रहा है तो आप लोग सोच रहे होंगे कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप लोग भी घर में बना लीजिए मेरी मम्मी का रेसिपी देख के, जल्दी जाइए और हांडी चिकन बना लीजिए। तो अभी मसाला होने के लिए आ चुका है। तो अभी हम लोग नमक थोड़ा ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग भूल गए थे। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद नमक थोड़ा सा फिर से फ्राई कर दीजिएगा अच्छी तरह, जिससे चारों ओर पूरा मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह फ्राई करने के बाद देखिए हम लोग का मसाला रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो देखिए मेरी मम्मी चिकन डाल रही हैं। तो धीरे धीरे मेरी मम्मी चिकन डाल रही हैं, उसके बाद और एक बार फ्राई कर देंगी। तो मैं आप लोग को आगे आगे दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चिकन डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा मिक्स करेंगे और उसे फ्राई कर देंगे और एक बार। देखिए कितना अच्छा लग रहा है उसका कलर ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी तो कच्चा डाले हैं, तो मतलब आप लोग को पता ही नहीं चल रहा होगा कैसा कलर आया है। देखिए, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वो जब मसाला उसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा ढक्कन डाल देंगे। उसके बाद अच्छी तरह जब हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो आप लोग देखते चलिए आगे आगे। चिकन से कितना पानी निकल रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद ना 10 मिनट के लिए हम लोग उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। वो मैं शूट नहीं कर पाई, मैं आपको सीधा सीधा दिखाते जा रही हूँ मम्मी क्या क्या ऐड कर रहे हैं। तो अभी देखिए, टमाटर प्यूरी ऐड कर रहे हैं मम्मी। पूरा प्यूरी के देने के बाद देखिए हम लोग का चिकन बन रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी तक मना नहीं है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे
एवरेस्ट मसाला चिकन का, उसके बाद ऐड करेंगे गरम मसाला, उसके बाद ऐड करेंगे मम्मी का स्पेशल मसाला। आप लोग को अगर जानना है मम्मी का स्पेशल मसाला तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसको फिर से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए फिर से फ्राई कर देंगे। देखिए हम लोग का चिकन कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स हो गया है। अभी हम लोग ऐड कर देंगे लास्ट में धनिया पत्ता। देखिए कितना मस्त दिख रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें अपने अपने घर में और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को मम्मी का चिकन, कैसा लगा फ्रेंड्स। देखिए कितना मस्त लग रहा है। अभी फ्रेंड्स मैं आपको फोटो में दिखाती हूँ कितना मस्त लग रहा है। देखिए